नमस्कार दोस्तों, साल 2023 की शुरुआत दिल्ली के अंदर एक बहुत दुखद घटना से हुई है। जिस दिन दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि नए साल के जश्न के दिन आधी रात और उसके बाद तक सड़कों पे लोग मौजूद होते हैं, जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग लगना एक सामान्य प्रोटोकॉल है, जगह जगह पे चेक पोस्ट पे लोगों की शिनाख्त करना, कोई ड्रिंकन ड्राइविंग कर रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, कोई भी इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, ये पुलिस का एक बहुत ही साधारण प्रोटोकॉल है कि वो 31 दिसंबर की रात को होता है। ऐसी रात को दिल्ली पुलिस को रात को करीब 3:22 पे, जो कि ये दिल्ली पुलिस का खुद का रिकॉर्ड है, एक दुकानदार जो हलवाई का काम करता है वो फोन करके बताता है कि साहब एक बुलेरो गाड़ी ग्रे कलर की जा रही है, जिसके अंदर नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की फंसी हुई है और वो गाड़ी 20 से 30 की स्पीड पे चल रही है, इसको आप देखें। 3:23 की बात है रात की, और वो आदमी उस गाड़ी का पीछा खुद करता है, 22 बार पुलिस को फोन करता है, 22 बार, और पुलिस उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाती है। वो आदमी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहा है, वो गाड़ी वहीं उस इलाके में घूम रही है, आगे जाती है, यू टर्न लेके फिर आती है, फिर आगे से फिर यू टर्न लेके फिर आती है, पुलिस उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाती। 4:11 पर जब कॉल आती है कि साहब एक जगह लाश पड़ी है, एक लड़की की नग्न अवस्था में है, तो पुलिस उस लाश को बरामद करने पहुंचती है। क्या ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के सरगना विनय सक्सेना जी, जो हमारे उपराज्यपाल भी हैं दुर्भाग्यवश, उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता? हादसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हादसा पुलिस ने करवाया होगा, मगर ऐसे हादसे के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या लीपापोती की गई, उसका एक नंगा उदाहरण ये पूरा का पूरा मामला है। मुझे लगता है कि इससे घटिया और इससे गिरी हुई हरकत कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता। कि जो आरोपियों का बयान है, जो आरोपी अपने बचाव में कह रहे हैं, वो पक्ष दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरिंदर कुमार पुलिस का वर्जन बता के दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप सब तो पत्रकार हैं, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस तो शायद गाड़ियां नहीं चलाते हैं, ड्राइवर है उनके पास, आप सब तो गाड़ियां चलाते हैं, मैं भी गाड़ियां चलाता हूं, एक छोटा सा पॉलिथिन फंस जाए आपकी गाड़ी में, गाड़ी खर 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 करती है, 2 मिनट में जब तक गाड़ी रोकोगे नहीं, आपको इरिटेशन होती कि गाड़ी में क्या फंस गया। एक लाश फंसी हुई है, 12 किलोमीटर तक वो लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था कि गाड़ी के अंदर जो 5 आरोपी बैठे थे उन बेचारों को पता ही नहीं चला, गाड़ी का म्यूजिक तेज था, इसलिए 12 किलोमीटर तक वो रैली निकाल रहे थे 20 किलोमीटर की स्पीड पे, इलाके में यू टर्न मार रहे थे, उनको पता नहीं चला, और जब गाड़ी से निकल गई तब उन्हें पता चला। और डीसीपी हरेंद्र सिंह यहां नहीं रुके, वो और गिर गए, और कहां तक गिरे आप नापिएगा उनकी गिरावट, वो धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को
धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि इसके अंदर बलात्कार का शक है तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो सकता है इसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई हो। हैदम हरिंदर सिंह के अंदर तो करे मुझे गिरफ्तार। मैं भी देखना चाहता हूं कितना दूध पिलाया इसकी मां ने। यह बदतमीजी हो गई पुलिस की कि अब पत्रकारों को धमका के कहा जा रहा है। ट्वीट डिलीट कराए गए पत्रकारों के कि तुमने कैसे कह दिया कि इस लड़की का रेप हुआ हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है इस बच्ची का रेप हुआ हो सकता है इसके साथ रेप की कोशिश हुई हो। कैसे कपड़े उतर गए उस सारी बच्ची के, उसकी बदन पे एक कपड़ा नहीं था। उसकी जो रिब्स है, जो उसकी क्या कहते हैं रिब्स को हिंदी में, क्या बोलते हैं, पसलियां तक सड़क पर घिस घिस कर उखड़ गई थी। उसकी पूरी पसलियां भी नहीं है। उस बच्ची के शरीर पे नीचे के हिस्से पे मांस नहीं बचा, पसलियां भी घिस घिस के जो है सड़क पर टूट टूट के गिर गई हैं। और ये कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला। बहुत शर्म की बात है। और एलजी साहब नाव में घूम रहे हैं। कल एलजी साहब नाव में घूम रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरा शर्म सर से झुक गया। आपका सर अगर शर्म से झुक गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास्त होकर घर पे बैठे होते। अब तक डीसीपी को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया, एसएचओ को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? अरे आप रात को रेन बसेरे में जाते हैं, आपको कंबल नहीं मिलते, आप सीओ को बर्खास्त कर देते हैं, अगले दिन अखबार में खबर छपवाते हैं। इतनी बड़ी हत्या हो गई, पूरा शहर शर्म से शर्मसार हो गया और आप कह रहे हैं मेरा सर शर्म से झुक गया। अरे आप एक्शन लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो सड़कों पर बच्चियां निकलती हैं काम करने के लिए, ये कौन बच्चियां हैं? जब अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार की कोशिश हुई और उसकी हत्या की भाजपा के दरिंदों ने, तो मैंने ये बात अपने पत्रकारों को कही थी कि भाइयों ये हमारे आपके घरों की बच्चियां हैं जो काम करने निकलती हैं, जो परिवार का पेट पालने के लिए निकलती हैं, जो अपना करियर बनाने के लिए सड़कों पर निकलती हैं। ये कोई बड़े बड़े नेताओं की बच्चियां नहीं जाती, ना बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस की बच्चियां जाती हैं, ये हमारे आपकी बहनें जाती हैं। और अगर हमारे आपके बहनों और बच्चियों के साथ ये हरकत होने लगेगी, जैसे अंकिता भंडारी को कहा गया, एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी नेताजी को, और एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये हमारी बेटी भी हो सकती थी। मेरे को तो रात को नींद नहीं आई ये सोच सोच के कि ये हमारी बेटी भी हो सकती थी। मैं 12:30 तक रात को ट्वीट करता रहा इसको देख के। मैं सुबह सुबह फिर उठ गया कि मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ भाई इसके साथ। और देखिए एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरा शर्म सर जो है शर्म से झुक गया। मुझे लगता है एलजी साहब को बर्खास्त करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से ये डिमांड करता हूं कि एलजी विनय सक्सेना जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैसे कैसे लोगों के हाथ में हमने पूरी की पूरी व्यवस्था दे दी, इनको कोई दिल्ली का कोई आइडिया नहीं, ये दिल्ली में कभी रहे नहीं, इनको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं। इनको मैं अगर छोड़ दूं सुल्तानपुरी में तो इनको ये नहीं पता कि किस दिशा में नजफगढ़ है। ये तो ये भी नहीं जानते कि ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है। और ऐसे ही कमिश्नर है, कमिश्नर ला ला के थोप दिए जाते हैं दिल्ली के ऊपर। क्या दिल्ली का पुलिस कैडर इतना निकम्मा है, इतना नलायक है कि पहले आप गुजरात कैडर से अफसर ले आए, अब आप किसी दूसरे तमिलनाडु कैडर से अफसर ले आए? बहुत शर्म की बात है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार दिल्ली को बर्बाद करने के अंदर लगी हुई है। मैं आपको अब वो खुलासा करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं किया। ये वो सुल्तानपुरी का स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, जिसके अंदर आरोपी मनोज मित्तल बंद है। और अब तक दिल्ली पुलिस और एलजी साहब की नींद नहीं खुली। उन्होंने यह नहीं बताया कि इस केस के अंदर लीपापोती क्यों की जा रही है, उस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के बाहर जिस दरिंदे का होर्डिंग लगा हुआ है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल, जो कि आरोपी नंबर 5 है और इसी थाने के अंदर बंद है।
और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एलजी विनय सक्सेना ने आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं की कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है और इसके होर्डिंग उसी पुलिस थाने के बाहर लगे हुए हैं जहां पे वो आदमी, वो दरिंदा, वो खूनी, वो बंद है। ये है उसका होर्डिंग और ये है उसका, उस दैत्य का चेहरा। देखिए अब तक इस केस में लीपापोती क्यों की जा रही है, क्योंकि एलजी साहब को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसके अंदर सम्मिलित हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप उन आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाइए और मैं चैलेंज करता हूं विनय सक्सेना जी को कि उनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाल के वो पब्लिक करें, अगर है उनके अंदर हिम्मत। वो आरोपी लगातार पुलिस के अफसरों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और चश्मदीद गवाह पौने घंटे तक उस गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी चलाता रहा। तीन पीसीआर वैन रास्ते में आई, तीन पीसीआर वैन, उन्होंने इशारे से दिखाया कि देखो ये लाश जा रही है, किसी पीसीआर वैन की हिम्मत नहीं हुई कि उस गाड़ी को रोक के उस लाश को बाहर निकाल सके। और मैं ये बात जो कह रहा हूं, ये आरोप जो लगा रहा हूं, उसके सबूत लेके आया हूं, आपको वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो में देखिएगा, एक बार लाइट बंद कीजिए और वीडियो चलाइए। ये दो चश्मदीद गवाह हैं जिनके ऊपर पुलिस अब दबाव बना रही है कि वो अपनी गवाही बदलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। भाई साहब थोड़ा बीच में से हटिएगा क्योंकि वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के कंझावला में हुई ये लाइट बंद कर दो, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वारदात से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज में कार दिखाई दे रही है। बता दें आपको, कंझावला में लड़की के संदिग्ध मौत मामले में ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग। थोड़ा आगे निकालो, उसके अंदर ना वो आएगी, थोड़ा और आगे करो तो इसके अंदर गवाही आएगी, थोड़ी और, थोड़ी और इलाके के अंदर लाडपुर गांव पड़ता है बस। और मेरे साथ तो चश्मदीद मौजूद है दीपक, जो कि यहां पर पास में एक मिठाई की दुकान चलाते हैं और इन्होंने उस बलेनो गाड़ी को देखा था जो यहां से जा रही थी और उसके नीचे जो बॉडी है वो भी अंजलि की फंसी हुई थी। सीधा उनसे बात करते हैं। दीपक जी ये बताइए कितने बजे की घटना है, आपने अपनी आंखों से खुद क्या देखा? ये 3:18 की घटना है साहब, जिस टाइम मैंने अपने दूध की गाड़ी हरना दूध का मैं गाड़ी की इंतजार में खड़ा था। मैंने सोपापुन की गाड़ी आई आगे से कंझावला साइड से, कुत्तागढ़ साइड गाड़ी जा रही थी, उसकी आवाज जा रही थी कुछ इस प्रकार के टायर फटने की आवाज होती है। मैं बिल्कुल सामने आने से देखने का पता चला कि उसके नीचे डेड बॉडी मसी हुई है। मैंने देखा वहाँ डेड बॉडी है, मैं उस टाइम पहचान नहीं पाया, लेडीज है, जेंट्स है, जो भी, लेकिन डेड बॉडी है। मैंने 3:18 पे उसको देखा, मैंने 3:20 पे एमरजेंसी नंबर डाल गया। मैंने बताया मैम मैं जैसे बात है कोई डेड बॉडी है और बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की, नंबर देख नहीं पा रहा उस टाइम, माँ उसके नीचे डेड बॉडी है, आप माँ इन्फॉर्मेशन दो। उन्होंने तुरंत इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद मेरे पास पीसीआर से फोन आता है, बोला भाई क्या देखा? मैं साहब ऐसे से बात है, जस्ट 3:30 पे गाड़ी दोबारा आगे से यू टर्न हो गई जोनपुर गाँव से, मेरी दुकान के सामने फिर आ गई। दुकान के सामने आने के बाद मैंने उसी जनाब से संपर्क किया जिसका मेरे पास फोन आ रहा कि देखा गया था। मैंने बताया साहब ऐसे से गाड़ी मेरे दुकान के सामने से दोबारा जा रही है कंझावला की साइड। मैंने अपनी सपोर्टी उठाई, मैं भी उसके पीछे पीछे मात्र जहां तक जाया देखा जाए देख लिया जाए, और डेड बॉडी उस टाइम उसके नीचे फंसी हुई थी बिल्कुल, आवाज से शेम आ रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया आगे जाकर, राइसिंग मॉल है कंझावला से पहले, वहां से उसने फिर से यूटर्न ले लिया। वहां से यूटर्न लेने के बाद मैंने भी उसके पीछे पीछे जैसे 50 मीटर का गैप था हमारा, मैंने धीरे धीरे गाड़ी घुमा ली। ना वो गाड़ी स्पीड में थी बिल्कुल, 20-25 की स्पीड चल रही थी। फिर मैं भी पीछे पीछे आया तो अपनी दुकान पर आने के बाद मैंने सोचा स्कूटी में तो सर्दी भी लग रही थी, मैं अकेला भी था, जैसे ही अपना दूसरा भाई था साथ में, फिर वो दुकान पर था, मैंने गाड़ी निकाले, पर ऐसे ऐसे बात हो रही है, उसने गाड़ी निकाली, हम दोनों फिर उसके पीछे गए आगे जाके। फिर जैसे उसने जोड़ती गाँव में फिर से गाड़ी घुमा दी, इस बीच हमारा 400-500 मीटर का गैप हो गया था। उसने गाड़ी घुमाई तो वो डेड बॉडी वहीं निकल गई थी, उससे पहले घंटे में मैंने घुमा दी गाड़ी, हम वो मेरे से फिर आगे आगे निकल गया, मैं उसके पीछे से फिर था। प्रशासन मेरे से टच में ही था बिल्कुल, 15-16-20 कॉल के आसपास मेरी होंगी कम से कम, गाड़ी आगे जा रही है मैं पीछे जा रहा हूँ, प्रशासन आ ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। फिर मैं उसको लेके बेगमपुर से बड़ी रेड लाइट तक गया हूँ, बेगमपुर के वहां तक उसको छोड़ के आ रहा हूँ। 3 PCR बीच में मिली है मेरे को, एक लाडपुर में, एक कराड़ा में, एक वहाँ बेगमपुर।
बेगमपुर वाला बिल्कुल उसके पास जाने के लिए इच्छुक ही नहीं है, नहीं कोई टारगेटिंग थी ना समझावला ना बेगमपुर, और इन्फॉर्मेशन काफी टाइम से पहले थे थीम के पास। आप एक बार रोक दो इसको, अब आप ये सुनिए, एक चश्मदीद गवाह 22 फोन कर रहा है पुलिस वालों को और पीछे पीछे चल रहा है उस लाश के। तीन पीसीआर वैन रस्ते में मिली उसको, तीन पीसीआर की गाड़ियां, और बेगमपुर वाले को तो इसने बताया कि देखो, और पीसीआर वाले उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं तैयार थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी है, ये हाल किया है इन्होंने हमारे देश की संस्थाओं का, भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बच्ची को नंगा करके घसीट रहा है, और दिल्ली पुलिस की औकात नहीं कि उनकी पीसीआर उसकी गाड़ी को रोक ले। ये हालत करी है एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन की। आप सोचिए, ये सिर्फ इत्तेफाक है कि पीसीआर गाड़ियां आ रही हैं, 22-22 कॉल हो गई, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। अब मैं आपको दूसरा चश्मदीद गवाह दिखाऊंगा जिसके अंदर वो बताएगा कि किस तरीके से उसने भी पुलिस को बताया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए नेक्स्ट, तो आपको क्या लगा? अरे नेक्स्ट 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 वीडियो भाई, ये आपके बेटे को बुला रखा थाने में, क्यों बुला रखा है? तो कहाँ देखा था, कौन से इलाके में देखा था आपके बेटे ने? मुझे नहीं पता कौन सा इलाका हो, तो वो ही बताएगा, आना कंजावले का ही नाम दे रहा था। ठीक है, हाँ, ये मुझे नहीं पता कौन सा इलाका था। अब आप देखिए, ये बेशर्मी है आज हमारे दिल्ली पुलिस नाम के इंस्टीट्यूशन की। अभी पता चल जाए कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर उसका कोई पड़ोसी कंप्लेंट कर रहा है तो डीसीपी साहब खुद पहुंच जाएंगे गवाही लेने। ये हालत है। और एक जोमैटो का डिलीवरी बॉय, क्या होता है वो बेचारा, वैसे ही डरा डरा घूमता है, गरीब आदमी, वो बता रहा है पुलिस वालों को कि ऐसा ऐसा हुआ, और पुलिस वाले कह रहे छोड़ दे। इसका मतलब पूरे षड्यंत्र का जो हिस्सा था वो वहां पे मौजूद एक एक पुलिस वाला, एक एक चेक पोस्ट और एक एक पीसीआर वाला था। और ये किसी एसएचओ की औकात नहीं है कि वो इतने सारे थाने मैनेज कर ले, इतनी सारी पुलिस पोस्ट मैनेज कर ले, इतनी सारी पीसीआर वैन मैनेज कर ले। ये तो उपराज्यपाल महोदय के लेवल का ही मामला लगता है। उपराज्यपाल महोदय, शर्म नहीं कीजिए, आपके सर को शर्म से झुकाने में दिल्ली का कोई फायदा नहीं है। आपकी बर्खास्तगी तुरंत होनी चाहिए और यहां के एसएचओ और डीसीपी को हमेशा के लिए पुलिस से निकाल देना चाहिए। ऐसा अफसर कभी भी दिल्ली पुलिस के किसी काम का नहीं, दिल्ली पुलिस क्या वो इस समाज के भी किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपका प्रश्न है? देखिए, एफआईआर जो है वो तो ऐसी बनाई गई है जैसे जो आरोपी होते हैं उनका वकील बताए ना कि साहब एक काम कीजिएगा इस सेक्शन में दर्ज कर देना,
तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मतलब मैं अगर एलजी होता तो मैं उन पुलिस वालों का ऐसा हश्र करता कि कोई आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं ऐसा करने के लिए, किसी की बेटी किसकी दुर्दशा हो। और क्या मुकदमा दर्ज किया, 304 हुए होता है डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। मतलब ये है कि भाई साहब आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी का कोई आदमी बीच में आ गया और उसके कारण एक्सीडेंट हो गया और उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं जो सबसे हल्की धारा किसी की मृत्यु पे लगाई जा सकती है, वो है 304A, जिसकी बेल थाने से ही हो जाती है। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, थाने में ही जो है उसकी जो है जमानत हो जाती है 304A। और हरिंदर सिंह को देखो, जो डीसीपी बने घूम रहे हैं, कैसे वर्दी टिकी हुई है उनके शरीर पे, मैं तो इंतजार में हूं, हैरान हूं मैं। वो डीसीपी बोल रहा है कि इन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि मेडिकल के बाद होगी। सारी दुनिया बता रही है कि शराब पी के वो घूम रहे थे, डीसीपी को सुगंध नहीं आई उनके मुंह से, महक नहीं आई डीसीपी को अब तक उनके मुंह से। वो कह रहा है कि उन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि तो मेडिकल में होगी, मगर इस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ इसकी पुष्टि हरिंदर सिंह खुद कर देते हैं। डॉक्टर है हरिंदर सिंह या भगवान है हरिंदर सिंह कि वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि इसके साथ ना रेप हुआ, ना इसके साथ रेप की कोई कोशिश हुई, ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई। वो पुष्टि हरिंदर सिंह कर रहा है क्योंकि वो भगवान है। और धमका रहा है पत्रकारों को, ट्वीट डिलीट कराया उसने पत्रकारों के कि कैसे लिख दिया कि तुमने इसके साथ रेप हुआ, मगर उन्होंने शराब पिया नहीं पिया ये हरिंदर सिंह कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी पुष्टि तो मेडिकल के बाद होगी। बहुत घटिया और शर्मसार करने वाली ये घटना है और इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। लीपापोती की कोशिश पहले मिनट से शुरू हो गई और जिस तरीके से जिन धाराओं के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया, मैं शाम से लिख रहा हूं और कई अखबारों के अंदर तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बहुत घटिया काम है और सीधा सीधा आरोपियों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश है भाई। आप पत्रकार हैं, आप लोग क्राइम रिपोर्ट करते आए हैं, आपने कौन सा क्राइम अब तक देखा जिसमें कोई गाड़ी के नीचे फंस गया हो और उसके सारे कपड़े खत्म हो जाए, ऐसा कौन सा क्राइम होता है भाई? और गाड़ी के अंदर फंसे हुए और डीसीपी कह रहे नहीं नहीं इनको आवाज नहीं आई क्योंकि इनका म्यूजिक बड़ा ऑन था, कमाल कर दिया। चश्मदीद गवाह बता रहा है 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, कोई गाड़ी हाईवे पे 20 की स्पीड पे चलती है रात को 3 बजे, वो गाड़ी के अंदर उसको ले जाया जा रहा था लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और वे बहुत कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये पुलिस अफसर जो पहले मिनट से आरोपियों के वकील बन गए, ये पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? और मैं अपनी बेटी को अपनी बहन को क्या कह के सड़क पे जाने दूं दिल्ली के कि ये खाकी पहन के जो पुलिस अफसर बैठे हैं और इनके ऊपर जो उपराज्यपाल बैठे हैं इनके हवाले है उनकी सुरक्षा। बहुत शर्मसार करने वाला आज का दिन है और नए साल की शुरुआत इस दुर्घटना से हुई है। मेरे को बहुत इस चीज का जो है दुख है। मैं आप सब लोगों से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस की आप हर परत में जाइए, इसके अंदर आप ही लोगों से थोड़ी उम्मीद है कि आप ही कुछ सच निकाल के लेके आएंगे। और आप ही जैसे पत्रकारों ने इस तरीके की वीडियोस हमारे लोगों तक पहुंचाई और वो जो बेचारे मिठाई की दुकान का काम करता है, वो आदमी जो कहता है मैं हलवाई की दुकान है मेरी, मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो 26 जनवरी पे वीरता का पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि 5 लोगों के पीछे पीछे उसने 1 घंटे तक अपनी गाड़ी लगाए रखी, 22 फोन कॉल उसने पुलिस को करी एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। और जो दूसरा जोमेटो वाला है उसको बुला के पुलिस धमका रही है अभी थाने में। ये हालत है हमारी पुलिस की। सर, आप लोग एलजी हाउस का जुड़ाव करने जा रहे हैं, क्या डिमांड करेंगे?
देखिए एलजी से हमारी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि एलजी के संरक्षण के अंदर तो पुलिस इस तरह की चीज हुई है, ये तो एलजी साहब का तो संरक्षण है उनको। हम तो केंद्र से डिमांड करेंगे कि एलजी साहब को बर्खास्त किया जाए। देखिए बड़ी शर्म की बात है, एक दिल्ली के अंदर एक प्लेयर का मामला हुआ था, यूपी सरकार की तरफ से वो प्लेयर खेलती थी, यूपी की तरफ से रिवॉर्ड दे दिया गया और कह रहे थे दिल्ली ने क्यों नहीं दिया, और मनोज तिवारी राखी बंधवाने गए थे उस खिलाड़ी से, और पूरी बीजेपी उतरी हुई थी ट्विटर पे कि अरे खिलाड़ी का अपमान कर दिया। आज एक खिलाड़ी और कोच के साथ बलात्कार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मंत्री ने की, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जमी हुई है। मैं जानना चाहता हूं देश की उन खिलाड़ियों से जिनके नाम पे दंगल फिल्म बनी थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे हैं, उनसे एक ट्वीट नहीं हुआ अपनी बहन के लिए? उस कोच के ऊपर दबाव बनाया गया महीनों से कि मंत्री के खिलाफ शिकायत मत कर देना, पुलिस ने दबाव बनाया, मंत्रालय ने दबाव बनाया, और आज उसने कंप्लेंट किया तो अब तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। मंत्री संदीप सिंह मौजूद हैं। यह घटना हो गई, भारतीय जनता पार्टी चुप घूम रही है, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि हमारा नेता इस पूरे कांड के अंदर शामिल है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन इस दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए हुए एलजी नाव में घूम रहे हैं, जब उनको उस वक्त उस बच्ची के घर या उस पुलिस थाने में होना चाहिए था। रात को 11 बजे हमारे ट्वीट के बाद शर्म से सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। एलजी साहब, आपने अब तक उन अफसरों को बर्खास्त तक नहीं किया, आप छोटी छोटी बातों पे लंबी लंबी चिट्ठियां लिख के मीडिया को देते हैं, अभी तक आपसे कुछ हो नहीं पाया है, और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि एलजी साहब इसके अंदर कुछ करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मामला है, उनकी अपनी पार्टी का मामला है, कैसे कुछ कर देंगे, बहुत शर्म की बात है। आप ये बताइए, मैं एलजी हूं मान लीजिए, और मैंने ही डीसीपी को बोला कि इसके अंदर एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके अंदर कमजोर धाराओं के अंदर एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाई पुलिस किसके अंदर आती है? एलजी साहब के अंदर आती है ना, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एलजी साहब उनके ऊपर एक्शन लेंगे या शाबाशी देंगे? इसीलिए तो अब तक एक्शन नहीं हुआ। अब तक तो वर्दी उतार के उन अफसरों को घर बिठा देना चाहिए था, एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एलजी साहब भी यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाया जाए। शर्म से सर झुकाने को कोई एक्शन नहीं कहा जाता, एक्शन दिखता। अब तक कोई और राज्य होता तो अब तक पुलिस कमिश्नर की नौकरी जा चुकी होती। और मैं दोबारा कह रहा हूं, यह मामला यह नहीं है कि क्राइम हो गया, क्राइम तो कई जगह हो सकता है, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे अफसर दिल्ली पुलिस के कैडर के बहुत बहुत शानदार अफसर हैं जो इस तरीके के क्राइम को रोकने में सक्षम होते हैं, मगर जहां पर क्राइम हुआ और क्राइम के ऊपर लीपापोती की बात हो वहां पे दिल्ली पुलिस के अफसरों को खटकरे में खड़ा करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।